हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाक विधीज। आज हम बिना गैस जलाए रसमलाई बनाएंगे। यह बहुत जल्दी बन जाती है और अगर हमारे घर पर गेस्ट आए हो तो 10 से 15 मिनट में इसे बनाकर हम दे सकते हैं और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आइए इस रसमलाई बनाने की विधि हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रसमलाई का रस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप दूध। यह करीब 300 ml है। दूध को हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप चीनी। यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है ताकि वह दूध में जल्दी से मेल्ट हो सके। 1/4 कप फ्रेश मलाई। मिल्क पाउडर और मलाई डालने से दूध को गाढ़ा बनने में मदद मिलती है। केसर को 5 मिनट पहले गर्म दूध में मैंने भिगो के रखा हुआ था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका कलर और स्वाद दोनों हमारी रसमलाई में आ सके। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर इसमें हम ऐड करेंगे। अभी जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 3 से 4 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। ज़्यादा हमें इसे ब्लेंड नहीं करना है वरना मलाई में से मक्खन निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार इसे ब्लेंड कर लिया है। तो अभी हमें इसे एक बाउल में पलट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में बहुत ही जल्दी रस मलाई का रस या रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम हमारे मनपसंद कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अभी हम रस मलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड लिए हैं जिसके हमें ये कॉर्नर कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड्स के इस तरह से कॉर्नर कट कर दिए हैं। यह रस मलाई बनाने के लिए आपको वाइट ब्रेड ही लेना है। इसी के साथ हमें 1/2 कप दूध और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हमें लेना है। ब्रेड के स्लाइस को दूध में दोनों तरफ से अच्छे से डिप करना है और इसका सारा एक्स्ट्रा का जो दूध है उसे हमें निकाल देना है। ब्रेड को हमें अच्छे से दबा दबा कर इसे स्क्वीज करना है जिससे कि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फ्लैट भी हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेड में जो भी एक्स्ट्रा का दूध है उसे हमने निकाल दिया है। अभी हमें इस ब्रेड के सेंटर में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को रखना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को रख दिया है। तो अभी हमें इसे पैक करना है। तो इसे हमें इस तरह से पैक करना है कि जैसे रस मलाई होती है, जो फ्लैट रसगुल्ले होते हैं उस तरह से हमें इसे शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ब्रेड को रस मलाई का शेप दे दिया है। इसी तरह से सारे ब्रेड को रस मलाई का शेप दे देना है। अभी इन सारी रस मलाई को हम एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। अभी इसके ऊपर हमें रबड़ी डालना है। तो यहाँ पर हम रबड़ी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब रसमलाई के ऊपर मैं रबड़ी डाल रही हूँ। रबड़ी इतनी डालना है कि यह रसमलाई इसमें अच्छे से डिप हो जाए। इसके ऊपर मैं केसर से थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। आप चाहो तो गुलाब की पंखुड़ियों के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। इसे 1 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें क्योंकि यह जब ठंडी हो जाएगी तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बिना गैस जलाए इंस्टेंट रस मलाई बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।